मुबारक हो, हमें पिछले 7 सालों से नीट जेई में पहला नंबर हासिल करते आ रहा है शहजाद सर का आईआईटियंस लर्न्स। आईआईटियंस में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही सालेहा, हसीबा और काशिप ने 2022 में गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन हासिल किया है। आईआईटियंस लर्न्स मुबारक की इकलौती ऐसी क्लासेस है जहां से स्टूडेंट का आईआईटी में सिलेक्शन हुआ है, जबकि 14 स्टूडेंट्स का गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है। आईआईटियंस में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे डिजिटल पैनल का यूज किया जाता है। अब तक आईआईटियंस के 20 स्टूडेंट्स ने नीट में 500 प्लस स्कोर किया है। नीट जेई एग्जाम में सफलता पाने के लिए आईआईटियंस लर्न्स के दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। मीरा रोड में लिव इन में रहने वाले मनोज ने सरस्वती के किए टुकड़े टुकड़े कुकर में उबाल कर खिलाता था आवारा कुत्तों को। घटनास्थल का भयानक मंजर देख पुलिस भी कांप उठी। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मीरा रोड से एक बेहद सनसनीखेज और दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। यहां पर 3 वर्षों से लिव इन में रहने वाले एक 56 वर्षीय व्यक्ति ने अपनी पार्टनर 32 वर्षीय महिला की निर्मम हत्या कर दी। हत्या करने के बाद इतना ही नहीं, उसके टुकड़े टुकड़े कर वो उसे कुकर में उबालता था और बाद में कुत्तों को ले जाकर खिला देता था। उसके फ्लैट से, जो कि मीरा रोड के गीता आकाशदीप सोसाइटी में एक इमारत में फ्लैट है, उस फ्लैट के आसपास के लोगों को 2 दिन से बदबू आ रही थी और बुध के दिन ये बदबू कुछ ज्यादा ही तेज हो गई। तो पड़ोसियों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस इस फ्लैट पर पहुंची तो फ्लैट के अंदर इस फ्लैट का मालिक मनोज साने उम्र 56 वर्ष ये मौजूद था और पुलिस ने अंदर का मंजर देखा तो पुलिस जो है हक्का बक्का रह गई। शरीर के टुकड़े बकेट में, किचन में, अलग अलग जगहों पर पड़े हुए हैं। पुलिस ने जब सख्ती से पूछताछ की तो मनोज साने ने पहले बताया कि लिव इन में उसके साथ सरस्वती वैद्य रहती है, 3 वर्षों से वो दोनों रहते हैं और 4 जून को सरस्वती के साथ उसका झगड़ा हुआ तो सरस्वती ने जहर पी लिया था। अब पुलिस उसके इस दावे की जांच पड़ताल कर रही है, मगर पुलिस का यह भी मानना है कि रिश्तों में आई खटास के बाद मनोज ने सरस्वती की निर्ममता से हत्या कर दी और हत्या करने के बाद लाश के टुकड़े करने के लिए उसने पेड़ काटने वाला कटर लेकर आया और उस कटर के जरिए वो सरस्वती के टुकड़े टुकड़े कर उन्हें अलग अलग जगहों पर घर में रख रहा था और धीरे धीरे जो है उसे कुकर में भी उबाल कर बाहर फेंकने का या आवारा कुत्तों को खिलाने का काम कर रहा था। फिलहाल समूचा मीरा भाईंदर, उसका आसपास का तमाम इलाका लिव इन में रहने वाली इस खूंखार हत्याकांड की वारदात से दहला हुआ है और भौचक है। किस तरीके से यह पूरा मामला उजागर हुआ है देखिए, और यहाँ पर पुलिस उपायुक्त भजबले ने क्या जानकारी दी है वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। कल दिनांक 7 जून को नया नगर पुलिस स्टेशन के जुरिडिक्शन में गीता आकाशदीप करके सोसाइटी, वहाँ पे 7वें मंजिल से एक फ्लैट है, वहाँ से बदबू आने का इन्फॉर्मेशन लोकल पुलिस को मिला था। पुलिस स्टेशन के ऑफिसर्स और स्टाफ ने जाके वहाँ पे देखा, वहाँ से बदबू आने की जो इन्फॉर्मेशन थी वो कंफर्म की। वहाँ पे लॉक तोड़ के उन्होंने जब एंट्री किया तो किचन में बहुत सारे यूटेंसिल और बकेट में वहाँ पे चॉक किए हुए बॉडी पार्ट्स मिले हैं। उसमें बाद में इन्वेस्टिगेशन में ऐसा रिव्यू हो चुका था कि एक कपल था, लिव इन रिलेशन में रह रहा था उधर, उनका आइडेंटिफिकेशन हो चुका है, अक्यूज्ड को भी अरेस्ट किया गया। जो डेड बॉडी के पीसेस मिले हैं वो एनालिसिस के लिए हमने जेजू हॉस्पिटल में भेज दिया है। इस घटना के आधार पर जो इन्फॉर्मेशन मिला उस बेसिस पे हमने नया नगर पुलिस स्टेशन में आईपीसी सेक्शन 302(2) के तहत मुकदमा दर्ज किया है। आगे का इन्वेस्टिगेशन सीनियर पीआई श्री वनकुटी कर रहे हैं। अरे कैमरा नंबर
बटन दबा गाड़ी खुल गई प्लीज घेऊन जा ऑफिस आहे बघा फोनवर फोन चालू आहे दोन मिनटं मला आठवत हा बसा 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 काय 16 मिनिटा कस्टडी ना अरे पाछू जो मैंने